गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये PMI का हमारा लास्ट लेक्चर है। इससे पहले हमने 18 सम किए थे। आई होप आप लोगों ने वो अच्छे से कर लिए होंगे, आपकी नोटबुक कंप्लीट हो चुकी होगी। आज PMI का लास्ट एंड फाइनल लेक्चर है, इसके कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। इसके जितने भी क्वेश्चन है 24 वो आपको कंप्लीट करने, और आज का जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है 19 से। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, प्रूव बाई PMI, PMI से हमें प्रूव करना है n n+1 n+5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ये 3 का मल्टीपल होगा PMI से स्टार्ट करने। तो सबसे पहला वर्क क्या होगा, व्हेन n इज इक्वल्स टू 1। अगर हम n को 1 लेते हैं देन क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, यहां 1 रखो, 1 1+1 1+5। क्या रिजल्ट आया देखते हम, ये आया 1 × 2 × 6, तो टोटल बना 12, विच इज मल्टीपल ऑफ 3। 12 3 का मल्टीपल है, यस है। इसका मतलब हमारा रिजल्ट ट्रू हो गया, व्हेन n क्या लिया हमने, 1 लिया। यहां पे ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो जाता है। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। हमने माना हमारा रिजल्ट ट्रू है व्हेनेवर n क्या होगा, k। दैट इज, इसका मीनिंग हमने क्या माना, ध्यान से सुनिएगा, वहां पे क्या रखेंगे, k। सो k, k+1 k+5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ये क्या होगा, ये 3 का मल्टीपल होगा। और इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो हम यू लिख सकते हैं, अगर कोई नंबर 3 का मल्टीपल है, ध्यान से सुनना, अगर कोई नंबर 3 का मल्टीपल है तो उसको 3 की मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यहां पे, k k+1 k+5 कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 3 times m, वेयर m इज एनी इंटीजर। m क्या होगा, कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, -5, वट एवर, जो भी इंटीजर होगा। अब हम लास्ट स्टेप पे चलेंगे, नाउ वी वांट टू प्रूव द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल्स टू k+1। हमें इसके लिए दिखाना है, दैट मीन्स हमें क्या शो करना है, क्या प्रूव करना है, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है, जहां n है वहां पे k+1 हो गया, यहां से क्या होगा k+2, और लास्ट वाले से k+6 हो जाएगा, इज ए मल्टीपल ऑफ, क्या दिखाना है हमें, 3। इसको 3 का मल्टीपल दिखाना है हमें, ठीक है। कैसे क्या कुछ कर सकते हैं ध्यान से देखिएगा, इस k+1 को तो हम 80 रख देते हैं, और यहां से अब हम एक काम करते हैं कि हमारा ये रिजल्ट देखो, ये क्या लिखा हुआ हमने, k × k+1 k+5। तो एक काम हमने यहां पे किया, ये k+1 है, यहां हमने लिखा k+2, यहां पे इंटू में हम लिख सकते हैं इसको k+5+1, 6 को हमने 5+1 की फॉर्म में लिख दिया। अब जो ये k+2 है, इसको हम यू लिख लेते हैं, k+2 × k+1 k+5+1, k की मल्टीप्लीकेशन, इसको हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई किए, फर्स्ट होगा k × k+1 × k+5+1, और एक बार क्या होगा 2, जो कि मल्टीप्लाई होगा ये वाला 2 किसके साथ होगा, k+1, और यहां से ही क्या है k+5+1, या इसको आप k+6 भी लिख सकते हैं। यहां पे क्यों, अब देखो इन दोनों नंबर की पहले इसके साथ करेंगे फिर 1 के साथ करेंगे। अगर हमने यहां पे लिखा k × k+1 k+5, ये कंप्लीट हो गया इसके साथ, अब 1 के साथ होगा तो क्या होगा, k × k+1 + 2 × k+1 और k+6। इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, 3m,
प्लस यहां पे देखो इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, के प्लस वन दोनों से कॉमन आया, यहां क्या रहा के प्लस वन आया, तो यहां से रहा आपका कॉमन के और यहां से क्या रहा टू के, मल्टीप्लाई कर दो प्लस 6 की 2 के साथ होगी तो क्या बनेगा 12, तो यहां से आपके पास रिजल्ट आ गया 3 टाइम्स एम प्लस, ये बन गया के प्लस वन इन टू, यहां से रिजल्ट आया हमारे पास 3K प्लस 12। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, 3m ये था, यहां से भी 3 कॉमन ले लो तो क्या बनेगा के प्लस वन और के प्लस 4। अब थ्रू आउट आप क्या कॉमन ले सकते हो, देखिए ध्यान से इसके अंदर से क्या कॉमन आया आप लिख सकते हो, 3 कॉमन ले सकते हैं यहां से, और 3 कॉमन आएगा तो बनेगा m प्लस के प्लस वन के प्लस 4, और इसको आप लिख सकते हो विच इज मल्टीपल ऑफ 3, और यही हमें करना था प्रूव, जो कि क्या बनेगा 3 का मल्टीपल आ जाएगा। आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है बेटा, ध्यान से देखो एक बार फिर दोबारा से बता देता हूं मैं क्या किया हमने। देखो पहले दो स्टेप बहुत इजी है, के को एन को वन रखा, ये वाला रिजल्ट 12 मिला, 3 का मल्टीपल हो गया। सेकंड में हमने सिर्फ यहां तक किया, ये सेकंड स्टेप है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, यहां से हमने यहां तक जो भी किया है वो थर्ड स्टेप है, तो मेन है थर्ड स्टेप आपका, तो उसको ध्यान से देखना। के प्लस वन हमें रखना था एन की जगह फर्स्ट में, के प्लस वन यहाँ पे के प्लस टू बन जाएगा, यहाँ के प्लस सिक्स बन जाएगा, तो हमने जो इस वाले को ब्रेक कर लिया लास्ट वाले को 5 प्लस 1 में, के प्लस टू को हमने आगे रख लिया, फिर इन दोनों को कंबाइन करके लीजिए। अब फिर हमने क्या किया, पहले के की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर दी, फिर इस टू की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, इसको हमने लिख लिया है 5 प्लस 1 में, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि k k प्लस वन के प्लस फाइव बन जाए हमारा, तो हमने क्या किया इस k की मल्टीप्लाई जैसे इसके साथ होगी ये रिजल्ट बना और टू की हुआ तो ये बना। अब इसमें से फिर हमने क्या किया k प्लस 5 प्लस 1 कर दिया इसको, तो अब इसकी मल्टीप्लाई पहले किसके साथ होगी k प्लस 5 और 1 के साथ कंप्लीट की होगी, तो k इंटू के प्लस 1, पीछे वाला क्या था 2 इंटू के प्लस 1 के प्लस 6, इन दोनों में से क्या कॉमन आया के प्लस वन, क्या रहा यहां से के, यहां से टू और के प्लस सिक्स, टू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 2K प्लस 12। अब देखो 2K और 1 3K प्लस 12, 3 कॉमन आ जाएगा बेटा, वो 3 कॉमन लेना है, यहां से 3 कॉमन लेना है, टोटल में से क्या आ गया 3 कॉमन, दैट मीन्स क्या हुआ ये जो भी रिजल्ट रहे 3 यहां पे आ गया, इसका मतलब ये 3 की मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। आप लिख सकते हो हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन, हर एक नेचुरल नंबर के लिए हमारा रिजल्ट क्या होगा ट्रू रहेगा। बेटा ये हमारा नेक्स्ट सम है, क्वेश्चन नंबर 20 हमें कैसे सोल्व करना है ध्यान से देखिए, पीएमआई का क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट स्टेप टू स्टेप चलना है। व्हेन एन इज इक्वल्स टू 1, एन को अगर हम 1 रखते हैं देन क्या होगा रिजल्ट, ध्यान से देखिएगा, देन यहां पे 10 है और n की जगह 1 रखना है, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 प्लस 1, इसका मीनिंग क्या बना 2 माइनस 1 क्या आया यहाँ पे 1, 10 रे 2 पावर 1 क्या होगा 10 प्लस 1 11 आ गया, और 11 11 से डिविजिबल है आप लिख सकते हो विच इज डिविजिबल बाई 11 बाई 11, पहला स्टेप कंप्लीट। अब हमें क्या करना है सेकंड स्टेप में, लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू के, हमें क्या करना है रिजल्ट को मान के चलना है कि रिजल्ट ट्रू रहेगा फॉर एन क्या रहेगा के, इसका मीनिंग हम क्या मान रहे हैं वो लिख लेते हैं, 10 रे 2 पावर 2 के माइनस 1, ऊपर में माइनस वन है नीचे वाला, ये एक मिनट दोबारा लिख लेते हैं इसको बेटा, 2K माइनस 1 प्लस 1 थ्रू आउट प्लस है बेटा, इज ये जो कंप्लीट होगा इज डिविजिबल बाई 11। अब इसको हम कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनना, अगर हम ये कहें कि 25 5 से डिविजिबल है
सो हम ये कह सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 25 को 5 की मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में, वेयर m कुछ भी हो सकता है, m की वैल्यू यहाँ पे एक्चुअली पर्टिकुलरली क्या होगी, 5 रहेगी। तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो सेम जैसे हमने मल्टीपल में किया था, डिविजिबल में भी सेम रहेगा आपका। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज 10a^2k-1+1। इसको अगर ये किससे डिविजिबल है, 11, तो इसको 11 की मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में हमने लिख लेना है, वेयर m इज ए एन इंटीजर। m क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब थर्ड स्टेप, ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट था, अब हम थर्ड पे चलते हैं। अब हमें थर्ड पे चलना है, तो क्या लिखेंगे, वी वांट टू प्रूव द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल्स टू के प्लस वन। इसका मीनिंग हमें क्या प्रूव करना है, ध्यान से देखिएगा, 10^2, जहां n है वहां पे 2 × k+1-1+1 इज डिविजिबल बाय 11, ये प्रूव करना है। ये वाला रिजल्ट 11, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ध्यान से, 10^2 2k+ क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, 10^2 2k प्लस 2 − 1+1 ये रहेगा, रहेगा। देखो 10^2 2k, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई k के साथ होगी तो 2k, 1 के साथ होगी तो 2, और ये माइनस वन पीछे वाला, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो हम ये लिख सकते हैं, इसको ये 11 से डिविजिबल है, तो 11 टाइम्स इसको, सॉरी प्रूव करना है हम इसको, इसको हमें प्रूव करना है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, हमें ये करना है, यहां से 10^2 2k माइनस वन को आगे ले लो, डॉट 10^2 2 लिख लेते हैं, प्लस वन। देखो इन दोनों में क्या है, बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो ऊपर वाला बन जाएगा, 2k-1 पीछे वाले को हमने पावर को इसके साथ लिया, जो पावर पॉजिटिव है उसको यू लिख लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसका 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 इंटू, इसको लिख लेंगे 10^2 2k-1, लिख सकते हैं, ये वाला प्लस वन चल रहा है हमारा। अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना, इसमें से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, क्या बनेगा यहां से अगर हम देखें तो, इससे अगर वैल्यू निकाले हम, किसकी वैल्यू, 10^2 2k-1 किसके इक्वल आएगा, देखो 11m था और ये 1 इधर आके क्या होगा, माइनस। तो इसकी जो वैल्यू हम यहां पे रख देंगे, क्या वैल्यू बनेगी, 100 टाइम्स, इसकी वैल्यू बनी 11 टाइम्स m − 1+1, तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 1 टाइम्स m माइनस 100 प्लस, सॉरी 1 प्लस क्या आया, 1। और अब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 1100 m − 99 ये बन गया। और इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, 11, तो क्या बनेगा, 11 को जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो 100 times m − 9। अब ये 11 की मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में आ गया, तो आप यहां पे लिख सकते हो विच इज डिविजिबल बाय 11, हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। तो रिजल्ट ट्रू रहेगा ऑल नेचुरल नंबर n के लिए, आपका रिजल्ट ट्रू रहेगा। क्या होगा, फिर दोबारा देखो ध्यान से कैसे करना है हमें, मेनली आपका थर्ड स्टेप है उसको ध्यान से देखना है। देखो n की जगह k प्लस वन रखना है यहां पे, जो गिवन है आपकी डेफिनेशन में, 10 यहाँ पे k प्लस वन आ गया, माइनस वन ये है, हमने क्या किया, 2k+2 हो गया, माइनस वन पीछे वाला है, हमने 2k-1 को ही रखा, इट इज जो ये 2 पावर है इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, इसका बन गया 100, इसको हमने रखा इट इज प्लस वन। अब इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रखनी है, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो, ये वाली वैल्यू,
और ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं, फिर 100 से मल्टीप्लाई होगा, इससे 1 से होगा तो 100 प्लस 1 99 बन जाएगा, 11 कॉमन आ गया। और यहां से इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है बेटा, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट हमारा सम है 21, ध्यान से देखिएगा, पीएमआई से हमें सोल्व करना है। व्हेन एन वन क्या बनेगा, देन एक्स रेड टू पावर टू माइनस वाई रेड टू पावर टू, ये बना भाई, जैसे ही वन रखा ये बना, और इसको आप लिख सकते हो x माइनस वाई और x प्लस वाई। अब इसमें आपके पास x प्लस वाई आ गया तो आप लिख सकते हो कि भैया इससे डिविजिबल है, विच इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई, जो कि x प्लस वाई से डिविजिबल है। हैंस रिजल्ट इज टू फॉर n इज इक्वल्स टू वन, पहला स्टेप यहां पे कंप्लीट। अब सो आप लिख सकते हो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू वन, ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड में हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, हम मान के चलेंगे कि हमारा रिजल्ट ट्रू है व्हेनेवर n क्या होगा k, इसका मीनिंग हमने क्या माना, एक्स रेड टू पावर टू के माइनस वाई रेड टू पावर टू के इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस वाई से क्या है, डिविजिबल। अब ये अगर एक्स प्लस वाई से डिविजिबल है तो इसको हम इसकी मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, वाई टू के इज इक्वल्स टू एम टाइम्स आप लिख सकते हो एक्स प्लस वाई, क्योंकि इसकी मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में हमने माना है तो इसको लिखा जा सकता है। वेयर एम इज एनी इंटीजर आप लिख सकते हो, वेयर एम इज एनी इंटीजर हो सकता है, ये हमारा स्टेप नंबर सेकंड कंप्लीट है। थर्ड में वी वांट टू प्रूव द रिजल्ट फॉर एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन, इसका मीनिंग हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, एक्स रेड टू पावर टू के प्लस वन माइनस वाई रेड टू पावर टू इंटू एन की जगह क्या रखना है, के प्लस वन इज डिविजिबल बाई के प्लस सॉरी एक्स प्लस वाई, हम ये चाह रहे हैं प्रूव करना कि भैया ये जो रिजल्ट है वो एक्स प्लस वाई से क्या बने, डिविजिबल हो जाए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे हमने ये लेके चले हैं 2k प्लस 2 हो जाएगा वाई रेड टू पावर 2k प्लस 2, इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x की पावर 2k डॉट x की पावर 2 y की पावर 2k डॉट y रेड टू पावर 2, लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, जो हमने यहां पे लिख रखा है इस वाले से आप एक्स रे टू पावर टू के की वैल्यू को कैलकुलेट कर ले, एक्स रे टू पावर टू के किसके इक्वल आएगा वो बना लेते हैं। यहां पे क्या था, एम टाइम्स एक्स प्लस वाई, और ये इधर आएगा तो प्लस क्या होगा इंटू प्लस में सॉरी वाई रे टू पावर टू के, ये वैल्यू हमें रखने की, किसकी वैल्यू है, एक्स रे टू पावर टू के कहां रखेंगे, यहां पे एक्स स्क्वायर एल टी रख दो पहले तो इस एक्स स्क्वायर को, और यहां इसकी वैल्यू रख दो, क्या वैल्यू आई, एम टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस वाई रेड टू पावर टू के माइनस वाई स्क्वायर और वाई रेड टू पावर टू के, ये एल टी छोड़। अब हमारा काम क्या है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है, अगर फर्स्ट वाले के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई और साथ में क्या रहा एम प्लस, यहां से क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई रेड टू पावर टू के माइनस वाई स्क्वायर वाई रेड टू पावर टू के। अब क्या करना है हमें, इनमें देखो कॉमन क्या रहा है, इनमें कॉमन क्या है, फर्स्ट को तो हमें एल टी रखना है, रख लीजिए, क्या बना हमारे पास m टाइम्स एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस, यहां से कॉमन क्या आया भैया
वाई रेड टू पावर टू के क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन गया। और अब आपका क्वेश्चन लगभग सोल्व है, क्या करना है हमें, एम एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई, वाई रेड टू पावर टू के यहां से आप लिख सकते हो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, किसको, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को। अब देखो एक्स प्लस वाई दोनों में कॉमन है तो इसके बाहर ले लो कॉमन, आप एक्स प्लस वाई को सॉल्व कॉमन रख लो, तो क्या बना एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेड टू पावर टू के इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखो इस कंप्लीट नंबर के साथ क्या मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है आपको, एक्स प्लस वाई, तो मतलब इसके डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, बिल्कुल। सो आप लिख सकते हो विच इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई, हेंस रिजल्ट इज टू फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन। ये बेटा स्टेप टू स्टेप चलोगे तो आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बस आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या पुट करना है, क्या कैसे करना है, सब कुछ आपको बताया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है 22 सम। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 22 को कैसे सोल्व करना है, सेम हमारा वही पैटर्न रहेगा। स्टेप वन, व्हेन एन वन, अगर एन को वन रखा जाए तो क्या बनेगा, यहां से ध्यान से देखो, 3 रेड टू पावर 2 इंटू 1, तो ये बन गया 2 प्लस 2, तो ये आएगा 4, माइनस 8 इंटू 1, 8 और यहां पे 9 बन गया, हो गया यहां तक। इसको हमें सोल्व करना है, तो 3 रेड टू पावर 4 क्या होता है, 81, और ये वाला कितना हो गया 17। सो आपको क्या करना है, 81 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या बनेगा आपके पास, 64, आपके पास आया 64, आप लिख सकते हो विच इज डिविजिबल बाय 8, क्योंकि 64 8 से डिविजिबल हो जाएगा, यस बिल्कुल हो जाएगा। तो आपको ये करना था फर्स्ट स्टेप में, हैंस रिजल्ट इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू 1, पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू के, हमारा रिजल्ट ट्रू रहेगा व्हेनेवर एन क्या होगा, के होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, इसका मीनिंग क्या होगा, ध्यान से सुनना, एन क्या होगा, के। तो यहां पे आपको 3 रे टू पावर 2 के प्लस 2 माइनस 8 के माइनस 9, इसका मीनिंग ये होगा कि ये जो है इज डिविजिबल बाय 8, कि ये जो है नंबर ये 8 से डिविजिबल है, अगर 8 से डिविजिबल है तो 8 की मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मीनिंग हम इसको ये लिख सकते हैं 3 रेड टू पावर 2 के प्लस 2 माइनस ऑफ 8 के माइनस 9 इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स m, वेयर m इज एनी इंटीजर, m क्या होगा, एनी इंटीजर, कुछ भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है थर्ड स्टेप में, नाउ वी वांट टू प्रूव द रिजल्ट फॉर एन इज इक्वल्स टू के प्लस 1, इसका मीनिंग हमें क्या दिखाना है वो ध्यान से लिखना है, जहां एन होगा वहां पे के प्लस 1 फर्स्ट में रखिए, 3 रेड टू पावर 2 इंटू एन की जगह के प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू के प्लस 1, इसको दिखाना है हमें कि ये होगा इज डिविजिबल होना चाहिए बाय 8, ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहां पे लिखा है 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, 2k प्लस 2 प्लस 2, तो यहां पे आपको देखो ये सेम रखना है जो यहां पे है, 2k प्लस 2 ही बनाना है, तो यहां पे नेक्स्ट क्या होगा 8k माइनस 8 और माइनस 9। अब हमें क्या करना है, यहां पे देखिए ध्यान से,
इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो 2 पावर है इसको आप 3 रे टू पावर 2 करके लिख सकते हो, 3 रे टू पावर 2 का मतलब 9, और यहां से क्या बना 3 रे टू पावर 2 के प्लस 2 -8 के -17, यहां तक आ गया। अब हमें यहां पे वैल्यू रखनी है, किसकी वैल्यू रखनी है, यहां से उठाओ इस वाले से, यहां से क्या वैल्यू आएगी देखो ध्यान से, 3 रे टू पावर 2 के प्लस 2 की वैल्यू क्या बनेगी, यहां 8m था +8k+9, ये वैल्यू हमें यहां पे रखनी है, तो 9 × 8m 8k+9 -8k -17, तो ये क्या बन गया 72 times m 72k 81 -8k -17, तो यहां से रिजल्ट बनेगा 72 times m 72k में से आपको क्या करना है 8k निकाल लेना है, तो 72 में से 8 64, तो ये बन गया आपके पास +64 times k -81 में से 17 कम कर दो तो यहां से क्या बनेगा 64। अब एक बात बताइए, इन सब में से 8 कॉमन ले सकते हैं, लिख सकते हैं, और जैसे ही 8 कॉमन आया आप क्या लिखोगे, विच इज डिविजिबल बाय 8, और लास्ट में आपको लिखना है हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। दोबारा से थर्ड स्टेप देखिए ध्यान से, ये हमें बेटा प्रूव करना है, ये वाला ये हमें प्रूव करना है, क्या किया हमने यहां पे बना 2k+2, और जो ये वाला था इसको हमने लिख लिया 3 × 2 पावर, यहां से आ गया, ये हम सेम रखेंगे जो यहां पे है, इसमें 3 रे टू पावर 2 को हमने लिख दिया है 9, इसको क्या लिखा गया है 9, इसको एडी रखा -8k -17 हो गया, जैसे इसकी वैल्यू रखेंगे, ये इसकी वैल्यू हमने यहां से उठाई है सेकंड स्टेप से, और यहां पे हमने रखा सोल्व किया, 8 कॉमन आ जाएगा, 8 जैसे ही कॉमन आएगा आपके पास क्या बना, इसका मीनिंग ये हो गया कि ये किससे डिविजिबल है 8 से, और यही हमें प्रूव करना था। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, स्टेप वही रहेगी, व्हेन n इज इक्वल्स टू 1 देन यहां पे 1 रखिए, 14 की पावर 1 होगा तो 14 की पावर होगा तो भी क्या रहेगा 1 पावर, दोनों में करते हैं तो वो एज इट इज रहता है, और इनका डिफरेंस क्या होता है 27, आप लिख सकते हो विच इज मल्टीपल ऑफ 27। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, सेकंड में लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट इज क्यू फॉर एन इज इक्वल्स टू के, ये हमें मान के चलना है, सबसे आसान स्टेप होता है ये बेटा, 41 की पावर के हो गया, यहां 14 रे टू पावर के इज हमने माना है क्या है इज मल्टीपल ऑफ 27, ये हमने माना है कि किसका मल्टीपल है, ये 27 का मल्टीपल है, तो कैसे लिखेंगे इसको, 41 having power k - 14 having power k 27 का मल्टीपल है तो 27 times m, इसको हम लिख सकते हैं, m क्या होगा कोई भी इंटीजर होगा। थर्ड स्टेप में वी वांट टू प्रूव द रिजल्ट, प्रूव द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल्स टू के प्लस 1, ये हमें लास्ट स्टेप में करना है, तो बेटा ध्यान से देखिएगा 41 हैविंग पावर के प्लस 1 -14 हैविंग पावर के प्लस 1, इसको हमें दिखाना है, तो ध्यान से देखना है हमें क्या करना है, इसको इज मल्टीपल ऑफ 27, ये प्रूव करना भी है।
देखिए ध्यान से, 41 हैविंग पावर k प्लस 1, 14 हैविंग पावर k प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 14 हैविंग पावर k इंटू सॉरी 41 इंटू 41, यहां से 14 हैविंग पावर k मल्टीप्लाई 14 लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम में पावर ऐड होगी तो सेम रिजल्ट बनेगा आपका। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू हमें निकालनी, कहां से, यहां से निकाल लो, इससे 41 हैविंग पावर के किसके इक्वल आएगा, 27 एम था प्लस 14 हैविंग पावर के, इसके इक्वल बन गया ये, इसकी वैल्यू यहां पे रख देंगे बस, क्या बनेगा यहां से, इसकी वैल्यू रख दो भैया, 27 टाइम्स एम प्लस 14 हैविंग पावर के इंटू 41 माइनस 14 हैविंग पावर के इंटू 14। अब देखो ध्यान से, ये जो 41 है 27, 27 एम के साथ भी 41 की मल्टीप्लाई प्लस 14 1 की मल्टीप्लाई होगी 14 की पावर के साथ माइनस 14 की पावर के इंटू क्या रहा 14, इन दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा, तो इसको तो हम लिख सकते हैं 27 टाइम्स n इंटू क्या रहा 41 मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी इसके साथ प्लस इसमें से क्या कॉमन आया 14 की पावर के, क्या रहा है यहां से 41 माइनस 14, ध्यान से देखो बेटा क्या कुछ रिजल्ट बना, 27 टाइम्स m इंटू 41 प्लस 14 हैविंग पावर के इंटू 27 बचा, और 27 को कॉमन ले लीजिए तो क्या बना 41 एम प्लस 14 हैविंग पावर के, और जैसे ये आ गया आप लिख सकते हो कॉमन आ चुका है तो विच इज मल्टीपल ऑफ 27, हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा बेटा। देखो बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2n प्लस 7 लेस देन n प्लस 1 n प्लस 3 होल स्क्वायर, पीएमआई से प्रूव करना है। स्टेप नंबर 1, व्हेन n 1 देन 2 प्लस 7 और यहां से होगा 1 प्लस 3, तो 2 प्लस 7 बना 9 लेस देन 4, इसका स्केयर क्या होगा 16 विच इज ट्रू, आप क्या लिखेंगे विच इज ट्रू, जो कि सही है सत्य है कि 9 लेस देन होता है 16 से, तो आप क्या लिखोगे हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1, पहला नंबर 1 के लिए कंप्लीट है। सेकेंड स्टेप में लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, हमने मान लिया कि हमारा रिजल्ट ट्रू है व्हेनेवर n क्या है k, इसका मीनिंग क्या माना वो लिख लेते हैं हम, 2 n की जगह रख दो k प्लस 7 लेस देन होगा k प्लस 3 के होल स्क्वायर से, ये कंसीडर किया हमने। अब लास्ट स्टेप में क्या आएगा, वी वांट टू प्रूव द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, इसका मीनिंग हम क्या प्रूव करेंगे 2 इंटू n की जगह k प्लस 1 रख दीजिए प्लस 7 ये वाला नंबर लेस देन होगा किससे k प्लस 1 रख दीजिए बाकी 3 था इसका होल स्क्वायर, एक्चुअली क्या बनेगा 2k प्लस यहां पे बन जाएगा 9 और ये बनेगा k प्लस 4 के होल स्क्वायर से, क्या दिखाना है हमें कि ये रिजल्ट जो होगा ये 2k प्लस 9 लेस देन होना चाहिए k प्लस 4 का होल स्क्वायर, इससे बनेगा लेस देन ये वाला रिजल्ट। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे कैसे क्या करना है वो ध्यान से आपको लोगों को देखना है, देखो कैसे होगा, आपको ये प्रूव करना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड स्टेप में ये हमें प्रूव करना है, होगा कैसे प्रूव देखिए ध्यान से, आप सेकेंड से देखिए फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड से क्या बन रहा है इसको आप
क्या बनेगा यहां से, इसको आप फर्स्ट का नाम ले, ये सेकंड हो गया, सेकंड से क्या बना 2k प्लस 7 लेस देन k प्लस 3 होल स्क्वायर, ये सेकंड में हमने जो माना है उसको लेके चले। अब क्या करेंगे, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, इसमें भी 2 ऐड कर लेते हैं और k प्लस 3 होल स्क्वायर इसमें भी हमने क्या कर लिया 2 ऐड कर लिया, तो लेफ्ट वाला तो बन गया 2k प्लस 9 लेस देन क्या बना यहां पे, इसका स्क्वायर करो k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k प्लस क्या होगा 2, पीछे वाला 2 हो जाए। अब इस कंप्लीट को हमें देखना है कि ये तो बन गया 2k प्लस 9 और यहां से क्या बना, यहां से बना k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11, बट जो हमें प्रूव करना है वो k प्लस 1 4 का होल स्क्वायर प्रूव करना है। तो एक्चुअली k प्लस 4 का होल स्क्वायर अगर ध्यान से देखो तो क्या आना चाहिए रिजल्ट, k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8k, ये रिजल्ट आपको चाहिए, जबकि गिवन क्या हमारे पास यहां पे ये है। तो हम एक काम करते हैं इसी के अंदर, इसमें हमें क्या चाहिए 8k, तो k स्क्वायर प्लस आपने बना लिया 8k माइनस 2k प्लस 11 है, 16 चाहिए हमें प्लस 5 माइनस 5, तो क्या बनेगा ये वाला रिजल्ट ध्यान से देखिएगा, k स्क्वायर प्लस 8k प्लस आप एक काम करो इन दोनों से 16 बन गया इसको यहां रखो, माइनस 2k और माइनस 5 को पीछे रखो, विच इज लेस देन, यहां से ये रिजल्ट क्या बना, एक्चुअली ये बना k प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2k प्लस 5 लिख सकते हैं कॉमन लेंगे। अब ध्यान से देखो, अब ये जो रिजल्ट है सिर्फ इस रिजल्ट की बात कर रहा हूं मैं, यहां से क्या बन के आ रहा है 2k प्लस 9 लेस देन दिस, और ये किससे लेस देन होगा एक्चुअली, इसको आप लिख सकते हो k प्लस 4 का होल स्क्वायर से ये क्या होगा लेस देन होगा। अगर ये लेस देन है k प्लस 4 के तो ऑटोमेटिकली क्या होगा इन दोनों से क्या बनेगा 2k प्लस 9 विच इज लेस देन k प्लस 4 होल स्क्वायर। बेटा ये स्टेप ध्यान में रखो, देखो यहां k प्लस 4 का होल स्क्वायर है और इसमें से कुछ कम हो रहा है, दैट मींस ये क्वांटिटी जो भी होगी k प्लस 4 से तो क्या रहेगी स्मॉल रहेगी, यस और नो, तो ये स्टेप मेन है, इसको आपको ध्यान से रखना है। हमने क्या किया, ये हमारे पास था, हमने यहाँ 8k बनाया, फिर इसमें क्या किया 6 में 2 ऐड हो गया 8k माइनस 2k, या 11 था हमने क्या किया 5 ऐड कर लिया 5 सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो 8k प्लस 16 यहां से ये दोनों हम कॉमन लिया, तो जैसे ही कॉमन आएगा यहां से क्या बनेगा दोनों प्लस के हो जाएंगे, k प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस समथिंग, टोटल अगर मैं इसकी बात करूं ये टोटल रिजल्ट किससे छोटा होगा k प्लस 4 के होल स्क्वायर से स्मॉल रहेगा, क्योंकि इसमें से समथिंग माइनस हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो k प्लस 4 के होल स्क्वायर से तो कमी है ना। अब ये इससे कम है ये इससे कम है, दैट मींस क्या बना हमारे पास 2k प्लस 9 लेस देन k प्लस 4 होल स्क्वायर, आप लिख सकते हो हेंस रिजल्ट इज ट्रू, इज इट ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन। यहां तक हमें करना था, तो ये आपकी एक्सरसाइज एक्चुअली चैप्टर ही कंप्लीट हो जाता है आज, आप इसको अच्छे से करें, नोटबुक की फोटो खींच के लास्ट में सेंड करें मेरे पास और फिर हम इसका रिवीजन करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। ओके।